सबका करना चाहिए, सबको देखना चाहिए भाई, सब सब जने काम करने वाले छे, किसी को देखना मत, मेरे भाई को देखना जरूरी है। भाई थोड़ा सामने से हटिए बड़े भाई, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो ना, विजन में जरा भाई, थोड़ा सामने सेट हो बड़े भाई, थोड़ा सामने सेट हो, अरे हटो भाई सामने से, जरा ऊपर करो सब, सब जरा हटो, पीछे हटो भाई, पीछे हटो, ए ढगला मत साहब, तो आप सर बोल रहे हो, फास्ट चलो ना, फास्ट चलो ना, क्या हुआ, चलो 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 बोलते गए पीछे हटो, भाई जुल्फिकार भाई जरा साहब थोड़ा हटो भाई, साइड में हटो जरा, सब जरा एक मिनट वैसे थे आज 7 मुहर्रम को बी के एलम को नजराना पेश करने के लिए टीआरएस के कई कायदीन आए हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब वक्फबोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ साहब और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाखरी साहब और बहुत से टीआरएस के कायदीन यहां पर आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी है मुहर्रम, हम बड़ी अकीदत से मनाते हैं, ये हमारे लिए गम का महीना है। इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है, हक और बातिल की लड़ाई है और हमेशा कभी भी बातिल की फतह नहीं हुई, हक़ की फतह होती है और ये एक दर्द से हमें दिया गया है और यहाँ पर आकर हमें सबक लेते हैं कि इंसान हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए और हक़ के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत हासिल की थी। उन्हीं की याद 10 मुहर्रम को बहुत बड़ा बी का आलम उठाया जाता है यहाँ से और तेलंगाना में जो रिवायत है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, यहाँ से आलम निकलता है बी का आलम और कई बार हमारे सीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, यहाँ आकर लोग ज़्यारत भी करते हैं और अपनी मन्नत के लिए दुआएँ करवाते हैं। यकीनन बहुत अच्छे मुहर्रम के इंतज़ाम हर साल करते हैं, तेलंगाना बनने के बाद और भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वक्फबोर्ड की जानिब से जितने आशुर खाने तमाम लोगों को जो भी इंतजाम के लिए उसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई या दाग दोजी या कलर जो भी चुना पानी के लिए तकरीबन लोगों को बजट सेंक्शन किया गया है और हाथी का भी इंतज़ाम हो चुका है, हुकूमत इंतज़ाम हो चुका है हुकूमत की तरफ से और पिछले साल भी जब कोरोना की वजह से सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मातम का अहतमाम नहीं किया गया था, बी का आलम नहीं निकाला गया था, पर हमारे पास बराबर अहतमाम किया गया, हमारे शिया भाई अपना खून बहाते हैं उनके गम के लिए और अकीदत पेश करते हैं। हम सब तमाम भाइयों को
यही कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के रास्ते पर हम अमल करें, और उन्होंने जिस तरह हक़ की बात की उसके लिए उन्होंने शहादत हासिल की, उसी हक़ के लिए हम अपना खून बहाते हैं। सो भाई मिलकर, ये तेलंगाना की तहजीब और कल्चर है, इंशाल्लाह इस मरतबा भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा एहतमाम किया जाएगा। बी का आलम ठंडा होने तक पुलिस की जानिब से हर किस्म का बंदोबस्त किया गया है। तमाम जो अकीदतमंद लोग हैं और जो लोग मातम करते हैं, उन तमाम भाइयों के साथ हमारे सीएम साहब और हुकूमत भी साथ है। इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। आज आने वाले तमाम जो टीआरएस के कायदीन हैं, बड़ी अकीदत से यहाँ पर आए, और बहुत से मीडिया के भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।